বহু প্রতীক্ষার পর রায়গঞ্জ মুখ্য ডাকঘরে উদ্বোধন হলো উত্তর দিনাজপুর পোস্টাল ডিভিশনাল অফিস। শুক্রবার ভার্চুয়াল ভাবে অফিসটির উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় সঞ্চার রাজ্যমন্ত্রী দেবু সিং চৌহান। এদিন এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জের বিজেপি সাংসদ দেবুশ্রী চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ সার্কেল মুখ্য পোস্টমাস্টার জেনারেল সুশ্রী জে চারুকেশী সহ আরো অনেকেই। সূত্রের খবর, দীর্ঘ প্রায় 30 বছর ধরে পশ্চিম দিনাজপুর ভাগ হলেও পোস্টাল ডিভিশনের মুখ্য অফিসটি এতদিন ধরে ছিল বালুরঘাটে। এদিন বহু প্রতীক্ষার পর এই অফিসটির উদ্বোধন হওয়ায় স্বভাবতই খুশি শহরবাসী। এদিন প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। জনসাধারণ এই মুহূর্তের সাক্ষী হতে পেরে ভিড় জমিয়েছিল মুখ্য ডাকঘর অফিসে। এই বিষয়ে সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী কি জানিয়েছেন শুনুন। উত্তর দিনাজপুরের দীর্ঘ 30 বছরের দাবি ছিল, শুধু দাবি বলবো না, প্রয়োজন ছিল। সুদূর চোপড়া থেকে, ইসলামপুর থেকে, গোয়ালপুকুর, চাকুলিয়া এই সমস্ত প্রান্তিক এলাকা থেকে পোস্ট অফিস সংক্রান্ত কাজ করতে বালুরঘাটে ছুটতে হতো। আমরা সকলেই জানি যে ফিনান্স বা ব্যাংকিং ক্ষেত্রে পোস্ট অফিসে তার সঙ্গে যোগাযোগ বা পোস্ট অফিসের মাধ্যমে বেশিরভাগ আর্থিক লেনদেন যাদের হয় তারা হচ্ছে সিনিয়র সিটিজেন। পাশাপাশি মন্ত্রী দেবু সিং চৌহান ভার্চুয়ালি জানান, জেনারেল বাংলা সার্কেল কর্নেল অখিলেশ কুমার পান্ডে জি, পিএমজি সিকিম আর নর্থ বেঙ্গল, বিশেষ অতিথি দেবীয় আর সজ্জন, আজ মানে বহুত খুশ হুম। মানে খুশ হুম কি আমারে রায়গঞ্জ কি এমপি ম্যাডাম নে ইস রায়গঞ্জ কে লিয়ে উত্তর দিনাজপুর ডাক মন্ডল और रायगंज के प्रधान डाकघर के अपग्रेडेशन के लिए मेरे पास आकर हमेशा ये डिमांड रखी कि आप मेरे क्षेत्र के रायगंज के पोस्ट ऑफिस को अपग्रेड करके दीजिए। और मेरे यहाँ करीब करीब 90 के दशक में उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर का रचना हुआ है, लेकिन उत्तर दिनाजपुर में डाक सेवा का कोई प्रबंध इतना अच्छा नहीं है जो दक्षिण दिनाजपुर में है। हमारे साथियों को, हमारे जनता को, हमारे देशवासियों को, हमारे डिस्ट्रिक्ट की सारे जनता को ये करीब करीब 100 किलोमीटर से भी ज्यादा डाकघर की सेवा के लिए आना जाना पड़ता है, ये काफी दूर था। और उनका ये कोशिश रहा है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात जब सदैव प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, अंत्योदय की बात जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में नूतन भारत के निर्माण के साथ हो रही, तब मेरे दूर दराज क्षेत्र में भी एक आधुनिक डाक मंडल होना चाहिए, आधुनिक ऑफिस होना चाहिए जिसमें अद्यतन सुविधा हो। तो आज मैं इसलिए खुश हूँ कि हमारे एमपी मैडम की ये रिक्वेस्ट थी और ये हमेशा कोशिश रही, हमेशा ये चिंता भी करती थी कि बहुत जल्दी हमें ये उत्तर दिनाजपुर में आपका पोस्टल का एक आधुनिक ऑफिस मिले और रायगंज ऑफिस को भी अपग्रेडेशन किया जाए। तो आज एक मौका है कि मैडम की ये इच्छा पूरी हुई है हमारे प्रधानमंत्री जी की सक्रियता के कारण, और आदरणीय मैडम सुश्री देवाश्री जी की ये मेहनत के कारण आज रायगंज की जनता को ये सुविधा मिल रही है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। और इस खुशी के मौके पर हम चाहते हैं कि जो सिटीजन सेंट्रिक सेवाएं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस देश की जनता को मिल रही है, इस सिटीजन सेंट्रिक सेवाओं में आने वाले समय में उत्तर दिनाजपुर की जनता को भी ये सेवाएं प्राप्त हो, चाहे वो आर्थिक सेवाएं होगी, चाहे वो समाज बात हो, चाहे इंश्योरेंस की बात हो, चाहे रूरल इंश्योरेंस की बात हो, नेट सर्टिफिकेट की बात हो, चाहे हर सेवा
जो आम जनता को मिलनी चाहिए वो सेवा हमारा डाक विभाग उत्तर दिनाजपुर के दूर दराज क्षेत्र में पहुंचाएगा। और हम ये सब जानते हैं कि जब कोविड की महामारी आई, कोविड का क्राइसिस में पूरा दुनिया फंसा हुआ था, देश भी जब कोविड महामारी से गुजर रहा था, तब एक ही हमारा कर्मी था, डाक कर्मी था, जो ग्रामीण डाक सेवक था, जो दूर दराज गाँव में झुग्गी झोपड़े में रहने वाली गरीब माँ को उसके डोर स्टेप पे, उसके दरवाजे पे जाकर उसके हाथ में अगर कुछ पैसा देने का काम किया हो, सीधा मनी ट्रांसफर किया हो, तो हमारे ग्रामीण डाक सेवक ने किया है। तो वही शक्ति है, वही समर्पण है, और वही शक्ति और समर्पण के साथ हमारा विभाग उत्तर दिनाजपुर की जनता की भी सेवा करे। लेकिन उस सेवा में अगर कोई कड़ी बना हो, जो कोई मीडियम रहा हो, जो ऐसे सेवा की चिंता करती है, तो वो हमारी मंत्री, हमारी वहां की एमपी मैडम सुश्री देवाश्री चौधरी जी ने की है कि उनकी जनता को भी ये सब सुविधा प्राप्त हो। आज सिटीजन सेंट्रिक सेवा के कारण पार्सल सेवा में बहुत सुधार आया है। पिछले एक साल में पोस्टल विभाग ने भी पार्सल सुविधाओं में बहुत अपने आप को अपग्रेड किया है, और ये सारी सुविधा पार्सल की हो, चाहे पोस्ट की हो, मेल की हो, सामाजिक सेवाओं को पहुंचाना हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना हो, चाहे किसान समृद्धि का पैसा हो, हर कोई आर्थिक व्यवस्था जो भारत सरकार ने बनाई है वो दूर दराज गांव में पहुंचाने का काम आज उत्तर दिनाजपुर के डाक मंडल में होने वाला है। और इसी के कारण ही आप सबका आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ये काम हो रहा है, प्रधानमंत्री जी की सक्रियता के कारण हो रहा है, और आपकी एमपी की सक्रियता के कारण आज उत्तर दिनाजपुर की जनता को इस सुविधा प्राप्त हो रही है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। रायगंज थेके प्रभात शाह, रिपोर्ट टाइम्स 14 बांग्ला।